मूसलाधार बारिश से सिंघोड़ी स्कूल में भरा पानी, भीगी मध्याह्न भोजन की खाद्य सामग्री। आयुष मंत्री ने लामता में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं किया भूमि पूजन। विश्व टाइगर दिवस पर रन फॉर टाइगर मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। ग्राम सिंघोड़ी में मूसलाधार बारिश के कारण शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला एवं आंगनवाड़ी करीब 3 फीट पानी भरने से स्कूल में रखी मध्याह्न भोजन सामग्री चावल गेहूं पानी से भीग गया। बारिश के पानी एवं नहर का पानी से जल भराव इतना हो गया कि वार्ड क्रमांक 2, 3, 4 एवं 14 के अनेक घरों में पानी घुस गया। जानकारी लगते ही जनपद पंचायत वारासिवनी उपाध्यक्ष पुष्पा किशोर अमूल्य ने स्कूल में जल भराव का निरीक्षण कर तत्काल जेसीबी बुलाकर बस स्टैंड में नाली बनाकर पानी निकासी की व्यवस्था की तथा पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री किशोर अमूल्य ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों को फोन कर बात कर जल भराव की स्थिति को देखकर बस स्टैंड में स्थित पुलिया पर बड़ा पाइप लगाकर पुलिया बनाने की बात की। लामता को एक अच्छा शहर बनाया जाएगा और उसे एक नई पहचान दिलाई जाएगी। लामता में शहरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे लामता एवं उसके आसपास के गांवों का भी तेजी से विकास होगा और इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लामता को शहर के रूप में विकसित करने पर इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। ये बातें आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने विकास पर्व के अंतर्गत 29 जुलाई को लामता कनारी दौनी एवं घुरसी टोला में 76,10,000 रुपये की लागत के नौ निर्माण कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। आज ऐसे बाउंड्री वाल की व्यवस्था करके हमारे बच्चे दोस्ती यहाँ पढ़ ले उसके लिए व्यवस्था बनवाए, आज उसका हमने लोकार्पण किया। हमारे कार्यकर्ता को हमने यहाँ पर समर्पित कर दिया ताकि हमारे बच्चों को बैठने की व्यवस्था अच्छी हो जाए। बालाघाट हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम गड़दा में खेत में कार्य कर रहे एक कृषक को अचानक भालू ने हमला कर घायल कर दिया। घायल लोचन सिंह पिता शोभानंद कोड़ापे 35 वर्षीय को परिजनों ने निजी वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस संबंध में घायल लोचन सिंह ने बताया कि रविवार की सुबह करीब 6:30 बजे जंगल किनारे लगे अपने खेत में पानी देखने गया था। तभी खेत में कार्य कर रहा था कि अचानक झाड़ियों से निकलकर भालू ने हमला कर नीचे गिरा दिया और दांत से काटकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में लोचन सिंह ने घर पहुंचकर इसकी जानकारी परिजनों व ग्रामीणों को दी। जंगल किनारे दौड़ के चाल किसकी चाल कब की देखते हैं कितनी बजे आ आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे को ग्राम पंचायत भोंडवा के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम मैरा पहुंचे और जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री ने चौपाल में ग्रामीणों से संवाद के दौरान जानकारी ली कि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि बहनों के खाते में आ रही है या नहीं, गाँव के बच्चे पढ़ने स्कूल जा रहे हैं या नहीं। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री श्री कावरे को बताया उनके गांव में आने जाने के लिए सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, गांव तक आने जाने के लिए पक्की सड़क बनाई जाए। आयुष मंत्री श्री कावरे ने ग्रामीणों को बताया कि वन ग्राम मैरा वन विभाग के अंतर्गत आता है, वन विभाग की NOC प्राप्त कर शीघ्र ही मैरा तक पहुंचने के लिए ग्रेवल सड़क या अन्य किसी योजना में सड़क का निर्माण कराया जाएगा। विश्व में भारत, भारत में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में बालाघाट टाइगर की बहुलता के लिए जाना जाता है। बालाघाट में बीते 2018 की जनगणना में मध्य प्रदेश में 533 टाइगर थे जिसमें बड़ी संख्या बालाघाट की है।
टाइगर हमारी फूड चेन का हिस्सा है। यदि टाइगर को नुकसान होता है तो फूड चेन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे मानव जीवन भी प्रभावित होगा। टाइगर है तो वन है, और वन है तो हम हैं, और हमारा जीवन है। इसी के चलते 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस पर रेंजर कॉलेज से रन फॉर टाइगर मैराथन को भाजपा युवा नेत्री मौसम हरिन खेड़े ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही स्कूलों में वाद विवाद और टाइगर हंट का भी आयोजन किया गया। जहां संरक्षित क्षेत्र है वहां सब जगह पूरे प्रदेश में इसके वन प्राणी को लेकर के और टाइगर्स के संरक्षण को लेकर के जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और उसी के तारतम्य में हमारा जिला चौक बालाघाट टाइगर्स पॉपुलेशन में बहुत रिच है, समृद्ध है, इसलिए हम लोग भी इसको टाइगर्स के डे को मना रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने स्कूलों में भी कुछ कार्यक्रम किए हुए हैं, जिनमें क्विज और डिबेट वगैरह का कार्यक्रम किया हुआ है, और आज रन फॉर टाइगर मैराथन का कार्यक्रम किया गया है, और काफ़ी जिसमें बढ़ चढ़ के काफ़ी बालाघाट के ज़िले के बच्चों ने और युवाओं ने और नागरिकों ने भाग लिया है। इसके अलावा ट्रेजर हंट का भी एक इवेंट की गई है। औद्योगिक क्षेत्र ग्राम पंचायत गर्रा सरपंच एवं सरपंच संघ जिला अध्यक्ष वैभव सिंह बिसेन प्रतिवर्षानुसार अपने गांव के बुजुर्ग ग्रामीणों महिलाओं एवं पंचगणों को लेकर धार्मिक स्थलों के दर्शन हेतु महाकालेश्वर एवं ओमकारेश्वर रवाना हुए हैं। इस धार्मिक यात्रा के संदर्भ में वैभव बिसेन ने जानकारी दी है कि उनके द्वारा विगत 5 वर्षों से पवित्र सावन माह में अपने गाँव के बुजुर्गों ग्रामीणों एवं महिलाओं को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। विगत वर्ष सरपंच होने के साथ ही अब इस आयोजन में पंचगण एवं उनके परिजन भी साथ होते हैं। उन्होंने बताया कि यह आयोजन उनके द्वारा निजी रूप से किया जाता है, और अब तो जब गांव की जनता ने उन्हें गांव के बेटे के रूप में चुना है तो उनका दायित्व भी यही बनता है। हम लोग उज्जैन और ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि हम हर वर्ष भी इसी तरह हम अपने जीवन का आनंद लेते रहे। सरपंच सारे मोहल्ले के भी लोग सबको लेकर महाकालेश्वर उज्जैन यात्रा हर साल कराते हैं। आने वाले पिछले वर्ष में उन्होंने हमको वहाँ पचमढ़ी ले गए थे और शिरडी ले गए थे। माँ में मेरे द्वारा अपने गांव के जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो और हमारी जो पंचमढ़ी है इन सभी लोगों को महाकाल दर्शन के लिए आज उज्जैन के लिए प्रस्थान हुए। हम लोग उज्जैन के बाद में ओंकारेश्वर जाएंगे, फिर वहाँ से वापस गर्रा होंगे। ये ऐसा हम लोग मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। इसके पिछले साल भी हम लोग त्र्यंबकेश्वर गए थे, उसके पिछले साल शिरडी गए थे।